ओके, सो आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड दैट कितने ड्यूरेशन तक करना चाहिए ये ट्रेनिंग. जैसे अगर समवन हैज कम टू यू थिंकिंग फॉर वेट लॉस और यू नो फॉर जस्ट लाइक दैट यू नो फॉर अ फिटनेस रेजिम, हाउ लॉन्ग डू यू रेकमेंड दैट इट शुड डू इन एक्चुअली. दैट केस सी आई टोल्ड यू इट्स अ रेजिम. जैसे बॉडी को फूड की जरूरत पड़ती है राइट, उसी तरह से रेगुलर वर्कआउट बॉडी की जरूरत है. ऐसा उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है. अगर आप कर रहे हो फिटनेस के लिए कर रहे हो तो यू कैन कंटिन्यू इट लॉन्ग. आप कौन सी भी एज में वर्कआउट कर सकते हो, इंक्लूड एनीथिंग. डांसिंग है, फिटनेस ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या फिर योगा है, जो भी आपको, अगर आपको उसमें अच्छा लग रहा है कि अगर आप कर रहे हो तो यू शुड इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ फिट वर्कआउट इन योर डे टू डे लाइफ. बिकॉज जैसे फूड जरूरी है अपने बॉडी के लिए, उसी तरह से वर्कआउट करना जरूरी है. वो हमारे वो उसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं डियर. जैसे वो हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, हमारे एनर्जी लेवल्स काफी बढ़ाता है, हमारे बोन्स मसल्स काफी कुछ स्ट्रांग होता है उससे, हमारी सेक्स लाइफ इंप्रूव होती है रेगुलर वर्कआउट से. बहुत सारे उसके फायदे हैं, उसके इतने सारे फायदे हैं ना डियर कि आई कैंट एक्सप्लेन कि उसका इतने सारे बेनिफिट्स हैं वर्कआउट के. तो इंक्लूड एनीथिंग, मतलब आपको जो फॉर्म ठीक लगे. अगर आपको लग रहा है कि यू यू एंजॉय डांसिंग मोर, इफ यू एंजॉय योगा मोर, इफ यू एंजॉय जिमिंग मोर, यू कैन इंक्लूड इन योर डे टू डे लाइफ एंड इट विल हेल्प यू. एक बिकॉज अल्टीमेटली कैसा है डियर, हम ये हमारा बॉडी है राइट, एंड तक हमें इसी बॉडी में रहना है. तो यू हैव टू मेंटेन इट. कैसे मेंटेन होगा, एक प्रॉपर डाइट और एक प्रॉपर रेगुलर वर्कआउट से. एब्सोल्युटली. सो कहीं ना कहीं दैट फिटनेस एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, नहीं यू है, हैव यस यस यू नो कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स टिल यू फाइंड दैट लव कि अच्छा मुझे अब ये यस करना है वो करना है. एंड यस ऑल्सो ऑन बेसिस ऑफ वॉट योर हेल्थ गोल इज यू चूज योर फिटनेस फिटनेस यस ट्रू एक्सरसाइज.